डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट जीके, बच्चों आप सबको वीवा जनरल नॉलेज की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 24 ओपन करना है। वहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 वेदर वर्ड्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हैं, उसके ऊपर से आपको यहाँ पे वेदर्स के नेम लिखने हैं। देखो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वेदर वर्ड, द क्लूज विल हेल्प यू। आपको लास्ट में क्लूज भी दिए हैं, कौन कौन से वेदर के नेम दिए हैं यहाँ पे, सनी, सनी यानी कि समर सीजन यानी कि जब सन होता है, उसके बाद है स्टॉर्मी यानी कि तूफानी, नेक्स्ट है रेनी यानी कि बारिशी सीजन, उसके बाद है क्लाउडी यानी कि जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं तो उसे क्लाउडी कहते हैं, नेक्स्ट है विंडी यानी कि जब बहुत ज़ोर से पवन आता है तो उसे विंडी कहते हैं, नेक्स्ट है स्नोवी यानी कि जब बर्फ गिरता है, और लास्ट है कोल्ड यानी कि ठंड की सीजन। तो देखो यहाँ पे आपको क्लूज भी दिए हैं, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पे ये आपको किसका पिक्चर नज़र आ रहा है, किस तरह के वेदर का, देखो ये सारे ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहे हैं यानी कि तूफान जैसा लग रहा है। तूफान को क्या कहेंगे बच्चों, कौन सी सीजन कहेंगे, स्टॉर्मी, STORMY। तो यहाँ पे लिखते जाइए आप STORMY। नेक्स्ट टू नंबर पर हमें किसका पिक्चर दिया है, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स है, तो ये वेदर में कौन सा वर्ड आएगा, क्लाउडी। देखो आपको यहाँ पे दिया है CLOUDY क्लाउडी, तो लिखिए यहाँ पे आप सब लोग CLOUDY क्लाउडी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थ्री नंबर पर हमें ये कौन से वेदर का पिक्चर दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे फायर है, और देखो यहाँ पे ये सारे बच्चों ने क्या पहना है, मफलर स्वेटर वगैरह पहना है, और बीच में फायर भी है, तो यानी कि ये कौन सी सीजन हुई, ठंड की सीजन, तो आएगा कोल्ड, COLD कोल्ड। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोल्ड, COLD कोल्ड। नेक्स्ट है फोर नंबर पर हमें यहाँ पे कौन सी सीजन दी है, ये बर्फ की सीजन यानी कि स्नोई, तो लिखिए यहाँ पे SNOWY SNOWY स्नोई सीजन, यहाँ पे बारिश यानी कि बर्फ गिर रही है, स्नो गिर रही है। उसके बाद 5 नंबर पर हमें कौन से सीजन का पिक्चर दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे ये बच्चे क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम हम कौन से सीजन में खाते हैं, गर्मी की सीजन में, तो आएगा सनी सीजन यानी कि जब बहुत तेज सन होता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है SUNNY सनी, SUNNY सनी, ये है सनी वेदर जबकि बहुत ज़्यादा सन होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पर हमें ये कौन सी सीजन दी है, आपको देखकर ही पता चल जाता है कौन से वेदर का पिक्चर है ये, रेनी, क्योंकि यहाँ पे बारिश गिर रही है बच्चों, तो देखो रेनी RAINY रेनी वेदर, और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा तेज पवन आ रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सी सीजन है बच्चों, विंडी यानी कि बहुत ही पवन, WINDY विंडी, ये वेदर है विंडी वेदर, बहुत तेज पवन हो रहा है बच्चों, पवन आ रहा है। तो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट वेदर के बारे में लिखा, कौन कौन से वेदर के बारे में, फर्स्ट वेदर है स्टॉर्मी यानी कि तूफान, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो सारे पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही हिल रहे हैं, और ये दरवाज़ा भी खुल गया है यानी कि तूफान, तो वो वेदर को हम कहेंगे स्टॉर्मी। नेक्स्ट है क्लाउडी वेदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं इसीलिए ये वेदर है क्लाउडी। उसके बाद है ठंड यानी कि कोल्ड वेदर, बहुत ही ज़्यादा ठंडी का मौसम है उसे कोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फ यानी कि स्नो वाली वेदर, तो उसे कहेंगे स्नोई।
उसके बाद है बहुत ज़्यादा सन है, तो उसे कहते हैं सनी वेदर। नेक्स्ट यहाँ पे है बारिश के सीज़न यानी कि रेनी वेदर। यहाँ पे देखो ये बच्चे हैं वो छाता लेकर निकले हैं, तो कौन सी सीज़न है ये? रेनी सीज़न। और लास्ट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पवन हो रहा है, तो ये होगा विंडी वेदर। बहुत ही तेज़ी से पवन है बच्चों, आप सब लोग भी देख सकते हो सारे पत्ते गिर रहे हैं, और ये लड़की के बाल भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो हुआ विंडी वेदर। तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 जो कि है पेज नंबर 25 में। यहाँ पे क्या लिखा है? इन द स्काई। स्काई में कौन कौन सी चीज़ें होती है बच्चों? सन, मून, स्टार्स, रेनबो, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें स्काई में होती है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ राइम्स दी है, वो राइम्स के ऊपर से हमें आंसर आइडेंटिफाई करना है कि वो किसके बारे में राइम्स है। देखो यहाँ पे लिखा है रीड दीज राइम्स एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स वी सी इन द स्काई। हमें ये राइम्स को रीड करना है, और ये कौन सी चीज़ है जो कि कहाँ पे रहते हैं? हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उसका नेम लिखना है। हमें यहाँ पे वन नंबर पे क्या दिया है? आई चेंज माई शेप, मैं अपना शेप बदल सकता हूँ। आई लुक वाइट, मैं वाइट रंग का दिखता हूँ। यू सी मी इन द नाइट विथ स्टार्स सो ब्राइट, मैं रात में देखने को मिलता हूँ और मेरी वजह से स्टार्स भी चमकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ हुई बच्चों? जो रात में देखने को मिलते हैं, वाइट कलर की है, वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है, तो ये कौन सी चीज़ हुई बच्चों? मून। तो लिखिए यहाँ पे एम ओ ओ एन। मून कभी फुल मून होता है, फिर धीरे धीरे वो हाफ हो जाता है, तो इसलिए वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है। वो वाइट कलर का होता है, वो नाइट में देखने को मिलता है, और उसकी वजह से स्टारे जो स्टार से वो चमकते हैं, तो ये हुआ मून। नेक्स्ट टू नंबर पर देखते हैं। आई एम अ हॉट बॉल ऑफ फायर, मैं बहुत ही गर्म गोला हूँ। आई गिव हीट एंड लाइट, मैं हीट यानी कि गर्मी और लाइट देता हूँ। आई शाइन इन द डे, मैं पूरे दिन शाइन करता हूँ। टू लेट किड्स गो आउट एंड प्ले, ताकि बच्चे बाहर जाके खेल सके, इसलिए मैं पूरा दिन शाइन करता हूँ। तो ये कौन सी चीज़ होती है बच्चों? सन। वेरी गुड। वो बहुत ही हॉट बॉल है जो हमें गर्मी भी देता है और बहुत ही अच्छी लाइट भी देता है, यानी कि सनलाइट देता है। वो पूरे दिन होती है ताकि सारे बच्चे बाहर जाके खेल सके सनलाइट में। तो आंसर आएगा सन, एस यू एन सन। नेक्स्ट देखते हैं थ्री नंबर की पोयम। यू सी अस एट नाइट, आप सब लोग मुझे रात में देख सकते हो। वी मेक द स्काई ब्राइट, मेरी वजह से स्काई एकदम चमकने लगता है। वी ट्विंकल इन द नाइट, मैं नाइट में ट्विंकल यानी कि चमकता हूँ। वॉट अ प्रीटी साइट, और बहुत ही सुंदर दिखता हूँ। तो ये कौन सी चीज़ होती है बच्चों जो कि नाइट में दिखती है और ट्विंकल करता है? स्टार्स। तो लिखिए एस टी ए आर एस, स्टार्स। फोर नंबर। माई सेवन कलर्स आर सीन आफ्टर अ शावर ऑफ रेन, मेरे जो सात रंग है वो शावर यानी कि रेन के बाद देखने को मिलते हैं। आई एम मैरी एंड ब्राइट, यू डोंट सी मी एट नाइट, आप मुझे रात में नहीं देख सकते हो और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता हूँ। तो ये कॉल किसके बारे में बात कर रहे? जो रेन के बाद देखने को मिलता है बच्चों, रेनबो, आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, रेनबो, जो कि हम रात में नहीं देख सकते। और इसमें कितने कलर्स होते हैं? सेवन कलर्स, और वो हमें बारिश के बाद देखने को मिलता है रेनबो। लास्ट यहाँ पे हमें राइम्स दी है फाइव नंबर की। पफी एंड फ्लफी,
सम टाइम वाइट, मैं कई बार वाइट रंग का और पफी और फ्लफी होता हूँ। सम टाइम ग्रे, कई बार मैं ग्रे कलर का होता हूँ। वी ब्रिंग रेन, मेरी वजह से बारिश आती है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? क्लाउड्स के बारे में। ये पोयम है क्लाउड्स के बारे में है, जो कभी वाइट कलर की कभी ग्रे कलर की होती है, और क्लाउड्स की वजह से ही रेन आता है। तो यहाँ पे लिखे क्लाउड्स, सी एल ओ यू डी एस, क्लाउड्स। यहीं पर हमारा लेसन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। तो देखो बच्चों, आप सबको भी चैप्टर 16 और चैप्टर 17 अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Thank you.